अभी हस्बैंड जो है वो रायन को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। वो और अब फाइनली मैं जो ना वो सोऊंगी। यस, और ईशाल भी उठ गई। और ईशाल जो है वो सोई हुई थी और वो अभी अभी उठ गई है। और अब हम क्या करते हैं, दोनों मामा और बेटी आराम से ना सो जाएंगे क्योंकि अभी नींद सही से पूरी नहीं हुई। अभी लेटते, नींद आई तो सो गए, वरना थोड़ा लेट के रेस्ट करते। कमान तो जी, सलाम तो मैंने आप लोगों से लिया है नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी थी अपने मज़ेदार से पराठे, मतलब कि ब्रेकफास्ट जो है वो बन रहा है। और मैंने कोशिश की थी जो मैं बने बनाए पराठे लेके आती हूँ एक्चुअली में ख़त्म हो गए थे, वो घर पर बनाऊँ तो काफ़ी सारी मैंने इसमें चीज़ें मैदा और सब कुछ डाला है, लेकिन सच बताऊँ तो वो मज़ा नहीं आया जो बने बनाए बाज़ार के जो पराठे हैं उनका। अभी स्टिल जो है वो स्नोफॉल है और अभी धूप निकलना शुरू हो गई है तो ये सारी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। लेकिन जी, जब तक जो है वो मेल्ट नहीं हुई तो अभी मैं जा रही स्टोर पर। बहुत ज़्यादा स्लिपरी है ये, और ये देखें बर्फ़ के हालात, काफ़ी सारी मेल्ट हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है। तो खैर मैं ये रोड क्रॉस कर लूँ क्योंकि बहुत स्लिपरी है। और ये देखें सारी ब्लैक आइस हुई हुई है। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जनाब ये मनाजिर है यहाँ पर करंट। अच्छा, इतनी ज़्यादा स्नो हुई भी है लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब है लेकिन नॉर्मल है, बर्दाश्त के मतलब काबिल। एक होता है ना बहुत ज़्यादा वाली सर्दी, तो वो नहीं है। और अभी एक दो दिन में मज़ीद जो है वो बारिश आएंगे तो ये सारी जो स्नो है वो हो जाएगी मेल्ट। खैर अभी मुझे जाना था स्टोर पर ज़रूरी काम से, अभी हम लोग जा रहे हैं स्टोर पर और वहाँ जा कर आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली पहुंच गई हूँ मैं स्टोर पे और बेसिकली मुझे यहाँ पर चाहिए थी शाल के डायपर्स। और जैसे ही मैंने देखा तो मतलब डायपर एक भी नहीं था चेंज करने वाला। फिर मैंने अपने बैग में एक दो एक्स्ट्रा रखे होते हैं, जो मेरा शोल्डर बैग होता है वो वाले मैंने यूज़ किए। और इसीलिए मैं फटाफट आई हूँ यहाँ पर कि यहाँ से इसके जो डायपर्स हैं मैं वो ले लूँ। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कुछ चीज़ों पर कुछ जो है वो सेल्स थी। वैसे मैंने मुझे ये सब चीज़ें चाहिए नहीं थी क्योंकि काफ़ी सारी मैं बालों की जो हूँ वो शॉपिंग कर चुकी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो दूसरे लोग देख रहे हैं तो आप लोग ज़रूर जाएं। और अगर आप क्यूपॉनिंग नहीं करते तो करें, उससे भी काफ़ी जो है ना आपको बेनिफिट हो जाता है, इनके काफ़ी आपके पैसे जो हैं वो सेव हो जाते हैं और बहुत लो प्राइस पे आपको जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं अगर आप क्यूपॉनिंग करते हैं। तो आई थिंक सभी को जो है वो करनी चाहिए। मैंने भी स्टार्ट किया, लेट्स सी देखते हैं कि उसके जो है वो कैसे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन इनकी काफ़ी आपकी मनी जो है ना वो सेव हो जाती है। बाकी यहाँ पर काफ़ी सारे जो हैं वो हेयर कलर्स से कुछ सिलेक्टिव जो हेयर कलर्स हैं उनके ऊपर जो है वो सेल थी और मैंने पहले जो है वो ले लिए हेयर कलर्स, तो इसलिए मैंने भी यहाँ से बाय नहीं करने। मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए कि जो भी कोई लेना चाहता है, तो अभी वॉलग्रीन्स पे बहुत अच्छी अच्छी जो है वो सेल्स वगैरह चल रही हैं, तो आप लोग ज़रूर जाएँ और जाके जो हैं वहाँ से फ़ायदा उठाएं। तो शॉपिंग वगैरह जो मैंने करनी थी वो कर ली है और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ को। और चलना जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे घर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, मतलब इतना डिस्टेंस पे नहीं है तो मतलब पास ही है, लेकिन चलो थोड़ा चल के जाना पड़ता है तो जो है वो अच्छा लगता है। और वैसे भी विंटर में यू नो इतनी ज़्यादा वॉक आपकी नहीं होती है, मतलब समर्स में तो मैं बहुत रनिंग वॉक सब कुछ करती हूँ, विंटर में नहीं होता है। तो विंटर में मेरे लिए ये बेस्ट एक्टिविटी है कि जाना और थोड़ी बहुत शॉपिंग करना। बर्फ़ के ऊपर जब धूप पड़ती है ना तो वो इतनी प्यारी लगती है, तो चमक भी रही होती है। और सेकेंड ये कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट वाइट जो है ना वो हो जाता है। ये वाला रास्ता अपनाते हैं, धूप धूप में से जाते हैं, लेकिन वैसे इतनी ज़्यादा स्नो है लेकिन इतनी सर्दी नहीं मुझे लगी। पता नहीं धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है, ये रीज़न है कि पता नहीं, मैंने कपड़े अच्छे खासे मोटे जैकेट्स वगैरह पहनी हुई हैं, लेकिन वैसे आज इतनी सर्दी भी नहीं है, वरना हाथों को लगती है, फेस पर ज़्यादा लगती है, नोज़ तो ऐसे रेड हो जाती है टमाटर जैसे, लेकिन अभी नहीं है। और सेकेंड ये कि देखें धूप भी सारी जो है वो मेल्ट हो रही है। व्यू तो खैर ये बड़े मज़े का लग रहा है। और आप लोग बताएं आपको कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम पे भी करना है आपने मुझे ज़रूर फॉलो। और ये देखें यहाँ पर जब किसी को कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है तो हम लोग इस तरह से निकाल के और यहाँ रख देते हैं, फिर अक्सर ऐसा होता है जो नीडी लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है वो यहाँ से उठा के ले जाते हैं, वरना तो कल में गाड़ी आएगी वो ये सब कुछ जो है वो उठा के ले जाएगी। तो यहाँ पर यही इसी तरह से जो है वो सब करते हैं। और ये केयरफुल, और ये देखें यहाँ पर जो बर्फ़ मेल्ट होती जा रही है वो मेल्ट होने के बाद बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो इस टाइम पे वॉक करने का, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, ना सर्दी लग रही है ना गर्मी लग रही है,
बड़ा मज़ेदार मौसम है और दिल कर रहा है बीच तक भी चले ही जाएं। बेसिकली मैं आई थी इशू के डायपर्स ख़त्म हो गए थे वो लेने के लिए, तो यस कम ऑन, तो इसलिए जो है मुझे आना पड़ा। वैसे मैंने कहा चलो वॉक भी हो जाएगी, इसके डायपर भी पकड़ लेते हैं। या यू वांट टू सिट इनसाइड? और ये नज़ारा चेक करें ज़रा, सारी जो है ना वो ब्लैक आइस बनी हुई, इतनी ज़्यादा ये स्लिपरी है ना, इसके ऊपर पाँव रखा और बस आप गए। कुछ दिन पहले मैं गिरी हूँ, इस ब्लैक आइस की वजह से मेरी कमर में इतनी बुरी चोट लगी है ना कि मुझे 4-5 दिन जो है ना वो पेन होती रही। शुक्र है अल्लाह का आप जो है ठीक है, लेकिन मैं बहुत डर गई इस ब्लैक आइस से। प्यारी वाइट ब्राइट वाइट कलर की जो है यहाँ पर स्नो है और यहाँ आके ना ठंडक का एहसास हो रहा है छाँव में आके, लेकिन अगर आप धूप में चले जाएँ तो फिर आपको बिल्कुल भी जो है वो सर्दी नहीं लग रही। और बस ये हम रवा दवा हैं अपने घर की तरफ। विशाल का भी दिल कर गया वॉक करने का, मेरा घर जो है वो आने वाला है। और छाँव में ठंडक है, धूप में जो है वो मज़ा आ रहा है। तो विटामिन डी की कमी जो है वो भी पूरी हो जाएगी इस तरह। तो जी फाइनली हम लोग जो है ना अपने घर वापस आ चुके हैं और आज मैं आपको इतना आसान और मज़ेदार सा खाना बनाऊँ। जब आपका बिल्कुल भी दिल ना करे कुछ भी बनाने का तो उस दिन के लिए ना आप ये वाली दाल रख लें। तो यहाँ पर मैंने मूंगी मसूर की जो है वो दाल बनाई थी और आज इसका जो टेस्ट है इसकी आपको कंसिस्टेंसी भी नज़र आ रही होगी सेम लाइक हलीम जैसी थी, क्योंकि मैंने इसको प्रेशर लगा दिया तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए। वैसे तो ये दाल जो है वो बहुत जल्दी 10-15 मिनट में पक जाती है, लेकिन मैंने इसको तकरीबन आलमोस्ट 1 आवर ही कह लें, 1 आवर के लिए इसको मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया। उसके बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी हलीम टाइप हो गया। मेरे हस्बैंड मुझे पूछ रहे थे आज तुमने क्या बनाया, हलीम बनाया। मैंने उनको ऐसे बोल दिया आज मैंने हलीम बनाया खाने में, और उन्होंने खाया और वो वाकई हलीम जो है वो समझ रहे थे, लेकिन उनको फिर बाद में कुछ फील हुआ थोड़ा सा इसका मतलब जो टेस्ट है वो चेंज है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत हद तक सिमिलर था और बहुत मज़े की बनी थी। दिल नहीं मेरा कुछ भी कर रहा था बनाने का, बस मैंने सब कुछ चढ़ाया और बस ये चूल्हे पर रख दिया, लेकिन वो इतनी मज़े का इतना टेस्टी जो है ना यहाँ पे जो है वो खाना रेडी हो गया था। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग अपना जो है वो डिनर करने लगे हैं और दाल के ऊपर गरम मसाला, अगर आप दाल के खाएं ना तो उसका जो मज़ा है वो मतलब नेक्स्ट लेवल का जो है वो हो जाता है। और इसके साथ में सैलड जो है वो, मेरे बच्चों ने पीछे शोर डाला हुआ है लेकिन मुझे आज ब्लॉग जो है वो अपलोड करना है। तो अभी मैंने इशा जो है वो पढ़ी है और ये देखें घर जितना भी सेट कर लो ना, जब घर में छोटे बच्चे हो ना तो वो रहने नहीं देते। और बस मेरे घर में हर टाइम टॉयज और ये छोटी छोटी चीज़ें सारा दिन मैं समेटती रहती हूँ और मेरे बच्चे जो है ना वो बस दोबारा से मैं सब करते रहते हैं। तो खैर अभी हम लोग जाने लगे हैं शाम की सैर के लिए, तो हस्बैंड और बच्चे गाड़ी में हैं और डोर को करते हैं क्लॉस और चलते हैं। अभी मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर अपने मॉर्निंग के चिया सीड्स और ये बड़ा ये डब्बा था और ये आलमोस्ट जो है वो सारा ख़त्म हो चुका है, बट आई हैव द अदर वन। और चिया सीड्स जो है ना इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। तो अभी मेरा ये जो है ये आलमोस्ट जो है वो डन होने वाला, 2-3 दिन में जो है डन हो जाएगा, तो फिर मैं अपना न्यू वाला जो हूँ वो ओपन कर लूँगी। तो चिया सीड्स के जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं। हेल्दी हैबिट्स वैसे तो अपनानी चाहिए, लेकिन हमें पता भी सब कुछ है, लेकिन हम क्या है कि लेज़ी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, तो हेल्दी हैबिट्स जो है वो नहीं अपनाते। तो इसीलिए एटलीस्ट कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि बहुत अच्छा आपके ब्लड के लिए, मतलब आपका जितना भी ब्लड है उसको सारा जो है वो क्लीन रखता है। तो इसीलिए ये जो है ना ज़रूर लेने चाहिए। तो अभी ये तकरीबन 1-2 घंटे अच्छी तरह सोक हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो हूँ मैं इसको ड्रिंक कर लूँगी। यहाँ पर मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है रेडी और मैं क्या करने लगी हूँ ये देखें, यहाँ पर मैंने ना चिया सीड्स ओवरनाइट जो है वो सोक करके रखे हुए और ये अच्छी तरह से जो है ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करने लगी हूँ इन चिया सीड के 2 टीस्पून भर के 1 और 2 अपने सीरियल में ऐड कर लूँगी। बेस्ट है अगर आप इसको मिल्क के साथ योगर्ट के साथ लें, क्योंकि मैं प्लेन लेती थी और मुझे लगता है कि अगर हम इसको अच्छे तरीके से इंजॉय करके लें तो ज़्यादा मज़ा आएगा।
और अभी मैंने इसको अपने सीरियल में जो है अब से मैं इंशाल्लाह ताला ब्रेकफास्ट में, क्योंकि एवरी डे सीरियल ले रही हूँ, तो सीरियल के साथ ही जो चिया सीड्स है ना वो यूज़ करेंगे। तो ये इनफ है, 3 टीस्पून जो है इसमें जा चुके हैं। यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी हूँ बड़े ही मज़ेदार से कोफ्ते, और यहाँ पर मसाले की जो है वो बुनाई चल रही है। ये कोफ्ते रेडी हो गए हैं, इस दफ़ा मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रखने की जो है वो कोशिश की। और आज का जो मेरा ब्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे फॉलो। अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। और अभी हम लोग देख रहे थे, आज था यहाँ पर फुटबॉल का मैच, और उसका जो था ये हाफ टाइम था, और ये मेरा बहुत फेवरेट टाइम होता है। तो खैर हम इंजॉय करें इसको, आपने भी इंजॉय किया होगा। आप दे दें इजाज़त, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।